हिम्मत तो कर पा रहे हैं। हाँ मैं हिम्मत तो खूब कर लेता हूँ सर मुझे, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर डरूंगा तो फिर मेरे को इस मुहिम से या फिर इस मेरे विचारों से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना क्रांतिकारी हुए अब कुछ नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अब इतने पीछे आ गए हम लोग कि क्रांतिकारी होकर भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा। इतना आसान अब कुछ रह नहीं गया जितना दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इतना ज्यादा आसान है कि आप सुधाकर जी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप से तो आप जुड़ गए हैं, आपने उसे समझा है? क्या आपने उसके पीछे चंद्रगुप्त बनने की फिलॉसफी को आपको समझने का मौका मिला है क्या? सर मैं मोटा मोटा तो कुछ समझ ही पा रहा हूँ, लेकिन जैसे रोजमर्रा के चक्कर में इतना ज्यादा वो नहीं हो नहीं मैं गई है वो नहीं कह जैसे। रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। मेरा आपसे वार्तालाप और वो कहने का मकसद ये है कि मैं फिर उसको आपको स्पष्ट करूंगा, तो जो चीज अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ पाएंगे। देखिए, क्राइम जी फ्री भारत मिशन मैंने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म 2017 में कंसीव किया था और इसे सर भारत सरकार को भेजा गया था। यदि जी आपको, आई डोंट नो, हो सकता है आपको जानकारी हो या ना भी हो, पहले नहीं। नेशनल पुलिस मिशन का एक कॉन्सेप्ट जो है कंसीव किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, और ये जी पीओमओ से संचालित था, राइट। जी बाद में जी जब 2014 में माननीय मोदी जी आ गए तो फिर वहां से जी पीएमओ से इसे रुखसत करके होम में भेजा गया और होम से बीपीआरएनडी में पहुंचा। तो जी 2017 में जो मैंने प्रस्ताव भेजा था कि अपराध मुक्त जो है भारत कैसे बनाया जाएगा, इट इज ए जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, राइट, जी जिसमें जी पांच जो है सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसको उसी सर्टेनिटी से प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और ये किसी टेक्नोसेबी के लिए नहीं है कि आपने जो है ना ऑनलाइन कर दिए, कर दिया वो कर दिया, ये गांव के गवाणी की, जिसके पास ना लैपटॉप है ना वो कोई टेक्नोलॉजी समझता है, उसकी भी एफआईआर जो है बिना थाने जाए होगी और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। जी हमारे पास जिसको भी कोई खिलौना मिलता है वो उसका दुरुपयोग करता है, हमारा डीएनए खराब हो गया है, तो उस खराब डीएनए के कारण जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो लोग बाग उसका दुरुपयोग पहले करते हैं, चाहे वो डोरी का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, झूठ मूठ सभी के नाम लिखा दिए, तो गलती लिखा एक की है मालूम पड़ा, पूरे कुनवे के नाम लिखा दिए। तो हाँ, दिए। इस तरीके की दुष्टता जो है हम लोगों के जो है ना खून में समा गई है, तो समा गई, बिल्कुल इसलिए यदि कोई फैब्रिकेटेड और झूठ एफआईआर करेगा तो कॉन्सेप्ट का है कि उसको सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट किया जाएगा, राइट। तो जी आप जी शिकायत करने गए तो आप मसीहा नहीं हैं, आपकी सही शिकायत सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए लिखी जाएगी, और वहीं यदि जी आप फैब्रिकेटेड और फर्जी एफआईआर करेंगे तो आपको जी उसी सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बहुत बढ़िया सर, ये राइट। तो बहुत ही और जी जो जो सेकंड प्रायोरिटी है, दैट जी प्रायोरिटी इज अबाउट कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर को भी इतनी मदद करेगा कि जी ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करा पाएगा जो पुलिस की सोच के भी बाहर है, राइट। जी जी क्या और ये जी सर जो चार्जशीट या जिसे चालान कहते हैं, ये चार्जशीट वुड बी इन ऑल केसेस 12 घंटे से 15 दिन के अधिकतम समय में चालान को, मतलब कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। दिस इज द सेकेंड सर्टेनिटी। फिर थर्ड सर्टेनिटी कह रही है कि जी बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड जी वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना जी में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रायल करते हुए, जी जहां पर कि टेक्नोलॉजी इस बात को भी कैप्चर कर पाएगी कि देखिए ये गवाह है संभवतः झूठ बोल रहा है, ऐसे पसीना आ रहा है, इसकी टांगे कांप रही हैं, इस तरीके की चीजों को भी वो कैप्चर कर पाएगा।
मतलब जो आप बहुत ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो उसे क्रॉस हाँ वेरीफाई करके कह गएगा कि हाँ हाँ ये झूठा डॉक्यूमेंट है और ये इन जी धाराओं का अपराध बनता है, लिहाजा कोर्ट से अनुरोध है कि ये अपराध का संज्ञान भी लिया जाए। ऐसा जी पावरफुल ट्रायल सिस्टम, और वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर। फिर जी जो है चौथी सर्टेनिटी हाँ है, हाँ जिसके लिए मैंने एक ड्राफ्ट कानून बना के भी इनको भेजा था, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लंबा चौड़ा उसका नाम है, उसको हमने निकनेम दिया था डिजिटल चित्रगुप्त। और ये राइट जी टू प्राइवेसी को गारंटी कर रहा है, बट राइट टू प्राइवेसी जैसा कि हर राइट जो है ना एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज रिलेटिव। द मोमेंट जी यू विल कमिट क्राइम, द सेम जो है डिजिटल चित्रगुप्त विल लॉज योर FIR एंड विल प्रोवाइड ऑल द एविडेंसेस, राइट। तो फिफ्थ जी सर्टेनिटी है कि फोर्थ सर्टेनिटी है कि इट विल कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन इन 360 डिग्री अगेंस्ट ऑल क्रिमिनल्स। हेंस जब क्राइम करने के लिए कोई अपराधी निकलेगा तो सिस्टम जो है ये अनुमान लगा सकेगा, डिजिटल चित्रगुप्त ये अनुमान लगा सकेगा कि ये व्यक्ति अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, इसके साथ में ये 4 लोग और हैं, इस वाहन से जा रहे हैं, इस रास्ते का अख्तियार करने की संभावना है और इनके अपराध का टारगेट ये व्यक्ति हो सकता है। और हाँ उसकी स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस जो है उस व्यक्ति को अपराध करने के पहले जहां स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेसेस परमिट करेंगी वहां पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर पांचवी सर्टेनिटी है कि जी भाई साहब जब आपको सभी अपराधियों को सभी कुछ मालूम है तो फिर हाँ आप जो है अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने देना चाहते हैं, देन सिस्टम विल रीच आउट के भाई अब आपको अपराध करने का विकल्प शेष नहीं रह गया है, क्योंकि आप अपराध करने निकलेंगे और जी अपराध करने के पहले आप जो है पकड़ लिए जाएंगे। हैंस यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू कमिट क्राइम, हैंस जो है वाई डोंट यू बी रिहैबिलिटेटेड। तो सर्टेनिटी ऑफ द रिहैबिलिटेशन, तो जी स्किल सेट देते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, सिस्टम विल मेक इट श्योर दैट ऑल क्रिमिनल्स आर रिहैबिलिटेटेड। इतना पावरफुल है। सो जी ये कॉन्सेप्ट नोट बाज आफ्टर बहुत लंबी चौड़ी एनालिसिस होती है, पूरे कंट्री में उसे रेफर किया जाता है, पीयर ग्रुप एनालिसिस वगैरह होती है, पीयर ग्रुप रिव्यू होता है। 2019 में जो है इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई, और बहुत बहुत सुंदर उसके बाद से मैं ही इसे हेड कर रहा हूं। बट मुझे ये समझ में नहीं आ गया कि जब हमारे राजनेता ही अपराधी हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, ये बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपराधियों को टिकट देते हैं। मिस्टर सुधाकर, आपको ये जानकारी है क्या कि अभी जो पार्लियामेंट गठित है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये मालूम है आपको? तो थोड़ा थोड़ा तो मालूम है बहुत अच्छा, स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन ये तो 100% मैं मान ही चुका हूँ, और मैं क्या हर व्यक्ति मान चुका है कि ऐसा है नहीं ही। ये तो मैं आपको स्टेटिस्टिकल फैक्ट दे रहा हूँ जो इनके खुद के एफिडेविट में है, ये मैं कोई अपना जो है ना कोई रिसर्च वर्क नहीं बता रहा हूँ, दिस इज देयर ओन एफिडेविट। तो सामने वाला ये कह सकता है कि साहब जो है नेतागिरी में होते हैं तो छोटे मोटे ऑफेंस तो कायम हो ही जाते हैं, तो इनके विरुद्ध छोटे मोटे ऑफेंसेस नहीं है, 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार, ऐसे ऐसे अपराध, बाप 29% का। तो ये हमारे राजनेता जो अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं हाँ नहीं दे रहे हैं। और छद्म तरीके से जीत रहे हैं, दुष्टता से जीत रहे हैं। इन्होंने IT को कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल कर लिया, जो आम सभाएं करते हैं वो भी प्रायोजित होती हैं, बसें जी भेजते हैं, लारीज भेजते हैं, आपके लिए लंच डिनर व्यवस्था करते हैं, ऊपर से ₹500 देते हैं। तो जी इलेक्शनियरिंग हैज बिकम
ए वेरी वेरी कॉस्ट इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव फिनोमेना। सही बात, तो इन्होंने जो है इस दुष्टता से मूर्ख बना के फ्रीबी बांट कर, दारू बांट के, साड़ी बांट कर, ये गरीबों का मजाक बनाते हुए उनको जो है ना वोट को खरीदते हुए ये एन केन प्रकारण जीत रहे हैं। ये जाति और धर्म के आधार पर बांट कर और सोसाइटी में जहर फैलाकर बिना समाधान लाने, जबकि समाधान लाना इनकी ही जिम्मेवारी है। तो समाधान, जी तो यदि ये समाधान ले आएंगे तो फिर आगे वोट कैसे पाएंगे? वोट कैसे पाएंगे। तो इस कारण से, और ये इतने दुष्ट हैं कि ये गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं लेकिन इनके जेहन में उल्टा होता है कि उल्टा होता है, बिल्कुल सही गरीब बात। गरीब बनाओ, इनके इनके वोट परचेज करो और इनको गुलाम बना हाँ के रखो। हाँ अब और ये संविधान की व्यवस्था के बिल्कुल अनुरूप नहीं चल रहे हैं। जी जैसे कॉमन आर्टिकल 44 में इस बात का इजहार किया है, जिसमें 5 पैसे नहीं लगना है, जी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस कंट्री, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। ये संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है। जी 75 साल होने के बावजूद भी इन दुष्टों ने एक जैसी व्यवस्था नहीं दी है। नहीं दिया आर्टिकल जी 47 में लिखा हुआ है कि दारू और बाकी जो है नशा वाली जो सामग्रियां हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। और जी इन दुष्टों ने गली गली कूचे में कलारियां खोल दी हैं, दारू की दुकानें खोल दी हैं, पाउच पहुंचा दिए हैं। आज हमारा युवा जो है पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उसका शरीर जर्जर हो गया है, उसकी सोच जर्जर हो गई है, उसका डीएनए खराब हो गया है। खराब हो गए जी। लेकिन इन दुष्ट लोगों को आपकी सोच से, आपके अच्छे देश से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि एन केन प्रकारेण ये सत्ता में काबिज हो जाए। जी इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत? 100% सर, आपसे ज्यादा सहमत हूँ मैं, क्योंकि ओके, मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वो उल्टा उसका दुष्परिणाम खुद भी भोग रहा हूँ। सुधाकर जी, अब सुधाकर जी, अब अपन फोकस करते हैं कि हम क्या समस्या की बात करेंगे या समाधान लेके आएंगे। क्योंकि समस्या को बताने के लिए तो इन्होंने इतने सारे सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप, सोशल हैंडल पैदा कर दिए हैं जो रोज आपको डराने का काम कर रहे हैं कि भैया समझ लो, यदि इनको नहीं जिताया तो तुम मर जाओगे। तो उनका काम अवेयरनेस करना है, वो पूरा झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट वो आधा ट्रुथ को डिस्टॉर्ट करके बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। जी इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल ठीक है सर। ओके, तो जो क्राइम फ्री भारत ने बिना खर्च की रणनीति पैदा की है उसे आप समझना चाहोगे? हाँ सर, क्यों नहीं समझेंगे, चलो तो तो सर उसमें कुछ अपना थोड़ा बहुत समय दे पाएंगे या